नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के दोमोरिया पुल के पास एक बर्फ के कारखाने में अमोनिया गैस लीक होने से मचा हड़कंप, 4 लोग हुए बेहोश। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। 4 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। पुलिस कमिश्नर जालंधर की अगुवाई में ड्रग निपटारा कमेटी ने तस्करों से जब्त किए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को किया नष्ट। 55 किलो हेरोइन, 5 किलो भुक्की और 180 नशीली गोलियां की नष्ट। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के दोमोरिया पुल के पास एक बर्फ के कारखाने में अमोनिया गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के अंदर एक फेयरमैन फंसा हुआ है, जबकि 2 व्यक्ति को फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर लिया है। फैक्ट्री के पास से गुजर रहे 4 लोग बेहोश हो गए थे, हालांकि अब वे ठीक हैं। पुलिस ने पूरा रास्ता बंद कर दिया है और सारा ट्रैफिक दोमोरिया पुल के ऊपर से भेजा जा रहा है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना 3 की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल पुलिस ने एरिया सील कर दिया है। गैस का प्रभाव खत्म करने के बाद ही किसी को रास्ते पर जाने दिया जाएगा। मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी फैक्ट्री में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर महिला ने कहा कि वो दवा लेने आई थी, मगर एकदम से उसका दम घुटने लगा। महिला वहां पर बेसुध हो गई थी, जिसके बाद महिला को किसी तरह वहां से दुकानदार और अन्य लोगों की मदद से निकाला गया। क्षेत्र से दूर ले जाकर जब महिला को पानी पिलाया गया तो वो होश में आई और उसने खुलकर सांस ली। लोगों ने बताया कि इतनी गैस थी कि रास्ते से गुजर रहे लोग गिर गए। सभी साइकिल पर थे तो देखा कि एकदम से सभी लोग कैसे गिर गए। आगे जाकर देखा तो फैक्ट्री से गैस लीक हो रही थी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और तुरंत मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई। लोगों ने बताया कि गैस लीक होने के बाद एरिया में सांस घुटने लगी। लोगों ने कहा कि फैक्ट्री के अंदर से कोई आवाज नहीं आई, मगर गैस लीक की दुर्गंध पूरे इलाके में फैल गई थी। फिलहाल सारे मामले की जांच के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। बिल्कुल, दमोरिया पुल के लागे गैस लीक हो रही है। फैक्ट्री जी है कि बर्फ जमाने वाली फैक्ट्री है, ब्लॉक बनते हैं और इस वे तस्वीर तुम दिखा रहे जिथे की बर्फ लीक होंगी हुई नजर आ रही है। बर्फ माफ करना, जी गैस CO2 गैस हैगी है, लीक होंगी दिखाई दे रही है। और इतने आने जाने वाले जो लोग है उन्होंने रोक दिता गया, ताकि कोई भी दोनों साइडा तो कोई भी इधर उधर ना आ सके। क्योंकि इस वे तुम भी तस्वीर च देखा होना कि मैनू, मैं मास्क लगा के इस वे खड़ा, क्योंकि जी गैस हैगी अखा से बहुत जबरदस्त तेजी पैंती है, अटैक करती है और सह लैन के भी काफ़ी दिक्कत जी है आ रही है। और मैं एक बार तस्वीर जीडिया आस पास दी जरूर दिखाने की कोशिश करांगा कि दोनों तरफों जिहड़े रोड हैगे बंद कर दिते गए ने। गलबात उन्होंने भी करने की कोशिश करांगा, पर इस वे जी इस इलाके के हालात हैगे ने, क्योंकि मैं एक बार तस्वीर दिखा देना, बिल्कुल जिहड़ा पुराना संत सिलमा हैगा, ओल्ड रेलवे रोड हैगा, बिल्कुल उहदे नाल लगदी है फैक्ट्री है। और यह भी जानकारी मिली है कि 2 तो 3 जिहड़े कर्मचारी है जिहड़े इत्थे काम कर रहे सी उह अंदर हैगे ने, उन्हां नूं रेस्क्यू करन दी भी कोशिश कीती जा रही है। पर इस वेले दे हालात यह हैगे ने कि फायर ब्रिगेड दी गड्डी भी इस वेले आ रही है मौके ते, क्योंकि फायर ब्रिगेड नूं भी इस वेले बुला लिया गया। राहत दा काम जिहड़ा उह इत्थे शुरू किया जाना, जिहड़े अंदर 2-3 जो जानकारी मिली है 2-3 बंदे जिहड़े अंदर फसे हुए ने उन्हां नूं रेस्क्यू किया जाना, क्योंकि इस वेले इस कंडीशन जी है इस इलाके की बहुत माड़ी है। सह लैन च दिक्कत आ रही है, अखा के गैस बड़ी बुरी तरीके चुभ रही है। इस वेले असी भी मास्क लाया के इस इलाके दे विच मौजूद है गया। और फायर ब्रिगेड की गड्डी जी है वो इतने बुला ली गई है, नाल जिहड़े लीडिंग फायरमैन नरेश कुमार है
ਉਹ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੱਲੇ ਤੀਕਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਤ ਸਿਲਵੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮੋਨੀਅਮ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਰਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ 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 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਫਾਇਰਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ अमृतसर में बढ़ती लूटपाट और अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए जहां अमृतसर पुलिस नाकाबंदी कर कड़ी चेकिंग कर रही है तो वहीं अमृतसर पुलिस हर संदिग्ध से भी गहनता से पूछताछ कर रही है जिसके तहत अमृतसर ग्रामीण पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने दो युवकों को पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपीडी हरिंदर सिंह गिल ने बताया कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस के सीआईए स्टाफ को गुप्त सूचना मिली कि दो संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर अटारी की तरफ से आ रहे थे जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था तो वहीं मोटरसाइकिल के आगे का नंबर प्लेट भी नहीं है पुलिस ने उन्हें घेर कर गहनता से पूछताछ की तो दोनों युवकों के पास से 4 MM ग्लॉक पिस्तौल बरामद हुई उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुरजीत उर्फ गुरजीत सिंह और लवप्रीत सिंह के रूप में हुई है पुलिस ने बताया कि इन दोनों युवकों ने पाकिस्तान से हथियार मंगवाए थे और इन हथियारों को पंजाब में बेचा जाना था या इससे किसी वारदात को अंजाम देना था इसकी जाँच चल रही है पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इन दोनों युवकों को माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और पूछताछ की जाएगी पुलिस ने कहा कि उनके पास से 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट आज अमृतसर देहाती पुलिस ने एक बड़ी बड़ी कामयाबी मिली है जी साढ़े मानयोग डीजी साहब मानयोग डीआईजी साहब एसएसपी साहब दी जिहड़ियां हदायतों के मुताबिक साढ़े सीए स्टाफ के इंचार्ज मनमीत सिंह संधू होना ने ये 2 बंदे गिरफ्तार किए आ जिन्हों को 4 जिहड़े आ ग्लॉक पिस्टल जिहड़े आ 2 ब्लैक कलर के 2 ब्राउन कलर इन्हां को बरामदगी हुई है 4 वैपना की इन्हां दे जिहड़े बंदे हैगे आ इन्हां दे नां हैगे आ जी सुरजीत सिंह उर्फ गुरजीत सिंह पुत्र रवेल सिंह लवप्रीत सिंह पुत्र जसवीर सिंह वासी सैदपुर कला थाना भिंडी सैदा इन्हां चौं कोलों जिहड़े हैगे आ वैपन बरामद होए आ ते मुढ़ली पुछगिछ दे विच ये गल आई हैगी है भी ये वैपन जिहड़े इन्हां ने इत्थों पाकिस्तान तों जिहड़ी हैगी डिलीवरी इन्हां ने मंगाई हैगी आ किहदे थ्रू मंगाई आ क्योंकि ये जिथे भी इन्हां नूं डिलीवरी एक जगह रखी सीगी वो एक इनवैसटीगेशन का पार्ट हैगा ते उत्थों ये चक के जदों राह च आ रहे सीगे ते ये साडे काबू आ गया इन्हां दे खिलाफ जिहड़ा हैगा मुकदमा नंबर 219 डेटेड 20/9/19 अंडर सैक्शन 25/27/53 आर्म्स एक्ट तहत जिहड़ा ये दर्ज किया गया थाने करिंडे दे विच ते बाकी इन्हां नूं मानयोग अदालत च पेश करके इन्हां दा पुलिस रिमांड लै के इन्हां दी जिहड़ी पुछगिछ कीती जाऊगी इन्हां दे बैकवर्ड ते फॉरवर्ड लिंकेज जिहड़े आ उन्हां बारे पता किया जाऊगा भी इन्हां ने पहला होर वैपन जां कोई होर चीज़ जिहड़ी लै के गांह किसी नूं दित्ती जां समगलिंग की हैगी आ उहदे बारे जिहड़ा हैगा वह ढंगाई नाल पुछगिछ की जा रही है इन्हां दा क्रिमिनल रिकॉर्ड होर नहीं हैगा पिछे इन्हां दे जिहड़े पहलां कोई मुकदमा दर्ज नहीं हैगा क्योंकि देखो जिहड़े इस तरह के काम करने वाले बंदे हैगे आ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਸਪਿੰਡੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸਕਰੋਂ ਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਏ ਗਏ ਕਰੀਬ 55 ਕਿਲੋ
हेरोइन समेत भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नशे के खिलाफ चल रही जंग के दौरान पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ विभिन्न मामले दर्ज कर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि NDPS एक्ट की धारा 52A के तहत मामलों की संपत्ति को ड्रग निपटारा कमेटी द्वारा नष्ट किया जाता है। स्वपन शर्मा ने कहा कि ड्रग निपटारा कमेटी ने गांव बीड़ में नशीले पदार्थों को नष्ट किया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नष्ट किए गए नशीले पदार्थों में 54 किलो, 962 ग्राम हेरोइन, 5 किलो भुक्की और 180 नशीली गोलियां शामिल हैं। कमिश्नरेट पुलिस द्वारा जिले से नशाखोरी का सफाया करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इस घिनौने अपराध के खिलाफ फोर्स द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मानवता के खिलाफ इस अपराध में शामिल कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कमिश्नरेट पुलिस द्वारा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मानजोग DGP साहब पंजाब, CP साहब जालंधर के दिशा निर्देश के हुक्म मुताबिक जो 3 मेंबरी एक टीम ड्रग डिस्पोजल करने वास्ते नियुक्त की गई है, जिस दे 3 मेंबर ने, जिस दे विच ADCP इन्वेस्टिगेशन, ACP NDPS एक्ट, ACP डिटेक्टिव, जो असी तीनों ही एक कमेटी के मैंबर अज असी क्यूटम पेपर मिल सैलापुर जिला हुशियारपुर पैंदी है उत्ते समेत वक् वक् थाणियां दे जिन्हां दे केसिस सीगे उन्हां दे मुंशी स्टाफ नाल असी उत्ते पेपर मिल गए हैं। तो उन्हों का जो मैनेजर वगैरह ने जो स्टाफ सारे के सामने असी उन्होंने जी फैक्ट्री के जो असी 31 मुकदमे 31 केसिज के जो NDP जो कि केस से मटीरियल माल मुकदमा सिया वो असी जो जिसते असी आर्डर कोर्ट तो डिस्पोजल दे कोर्ट तो आर्डर लै हासिल किए हुए सी बक बक थाने वाले ने जो सारे थाने दे जो चेकआउट करके सारे थाने दे माल नूं नाल लैके डिस्पोजल दे आर्डर नाल लैके उत्थे पेपर मिल जाके असी इहनूं प्रॉपर वे नाल असी इहनूं डिस्ट्रॉय किया। जो टोटल 31 मुकदमे ते 54 किलो, 962 ग्राम हीरोइन, पॉपी हौसक 5 kg है और 180 टेबलेट ने जो असी सारे जरा उपोज करके यदि प्रॉपर यदि जी मूवी बनाई गई है, मूवी बनी है एंड फोटोग्राफी हुई है, सारा माल डिस्ट्रॉय करने तो बाद सारी टीम असी वापस। अमृतसर पुलिस कमिश्नर रणजीत सिंह ढिल्लों के निर्देशों पर नशे, डकैती और बुरे तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोट खालसा की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब नाकाबंदी के दौरान दो युवकों को काबू किया। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि खालसा कॉलेज के पास पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान उन्होंने दो युवकों को मोटरसाइकिल पर आते देखा और उन्हें रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल को भगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पुलिस टीम ने उनका पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनके पास से करीब 26 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इनकी उम्र करीब 20 से 23 साल है। वे सरहाली के आसपास से हेरोइन लेकर आए थे। फिलहाल उन्हें माननीय अदालत में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया है ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। उसी नशे समेत फड़े गए हैं। जो भी मुहिम चलाई जा रही है मानजोग DGP साहब के हुक्म अनुसार, मानजोग साढ़े कमिश्नर साहब सरदार रणजीत सिंह ढिल्लों IPS अपने सीनियर अफसरों के दिशा निर्देशों के तहत बड़ी वड्डी पद्धर से जिहड़ा वा इलाके दे विच नशे नूं ठल पाउण लई अपने वल्लों उपराले कीते सी। ते इसे दौरान ही जदों असीं गश्त करदे करदे अपनी टीम दे नाल जदों इधरों
खालसा कॉलेज के सामने सर्विस लेन दे विच पहुंचे ते एक मोटरसाइकिल ते सवार दो नौजवान सी जिहड़े उन्होंने जो साड़ी पुलिस पार्टी की गड्डी देखी उन्होंने यकदम ही मोटरसाइकिल खाली प्लाट वाइज साइड में अंदर टर्न किया जिहदे मगर ही असीं अपने जिहड़ा वा गड्डी अंदर वाड़ दित्ती ता जो रस्ता बंद सीगा जिस करके असीं इन्हां नूं मौके ते ही सारा पुलिस पार्टी वालों टीम सारी टीम के नाल ही जिहड़ा इन्हां नूं गिरफ्तार किया और इन्हां दे मोटरसाइकिल की डिग्गी दे विच्चों तलाशी के दौरान 26 ग्राम जी हैरान वह बरामद की है जोड़ा चला रहा मुंडा मोटरसाइकिल जशनप्रीत पुत्र अमरजीत सिंह वासी बीबी विरोधा गुरद्वारा झबाल जिला तरन तारण का रहने वाला जोड़ा पिछे बैठा से वह नीरे सिंह पुत्र कुलवंत सिंह वरकाला मलाप एवन्यू भनूपुर काले थाना छाटा अमृतसर का रहने वाला इन्होंने किसी तरन तारण के व्यक्ति को सुर सिंह पासों लैके आए थे इन्हें पुछगिछ दौरान दसिया अगली जी तफ्तीश है वो असी इन को माणयोग जस्टिस तो रिमांड इन्हों का हासिल कर लिया कोशिश करके जितों भी इन्होंने लैके आए अगे जो भी ये करते सारा वो जो नैक्सस है उन्होंने असी बंद करने की कोशिश करा पहला भी परचे दर्ज कोई नहीं पहला फिलहाल इन्हों का परचा कोई दर्ज नहीं गा इन्होंने जिमें अजक छोटे बच्चों लोग तैयारी करके तो उन्होंने शुरू कर देंगे उन्होंने काम भी इन्होंने पुलिस शक नहीं करती सो इस तरह है वैसे इन्होंने उम्र जी नियर अबाउट 23 साल 23.5 साल एक 20 साल किन्ने दिन का रिमांड मिले 2 दिन का रिमांड असं जो जैसा पासों लगे जालंधर पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा की अगुवाई में कमिश्नरेट पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से कीमती सामान बरामद कर शहर में हुई एक चोरी की घटना को सुलझा लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 12 सितंबर को कंचन निवासी मोहल्ला अमृत विहार जालंधर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वे अपने घर को ताला लगाकर आरटीए दफ्तर गई थी। उन्होंने बताया कि जब वे शाम को वापस घर आई तो देखा कि उनके घर की लॉबी का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर रखी अलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे और कोई अज्ञात व्यक्ति सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी कर ले गया था। घर से करीब 60,000 रुपए भी चोरी हो गए थे। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर कमिश्नरेट पुलिस ने थाना डिवीजन नंबर 1 में मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल की गई कार XUV सोने के 2 जोड़े टॉप्स और 10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच की जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सर की है पूरा मामला? सर जी एक कंप्लेंट वालों श्रीमती कंचन पत्नी प्रेम कुमार वासी अमृत विहार जलंधर वालों एक दरखास्त दी गई सी कि 10/9/2024 उन्होंने घर एक चोरी हुई सी जिसके उपर कार्रवाई करते हुए डिवीजन नंबर 1 ने बहुत वड्डी सफलता हासिल की है जी। ये सानू 2 दोषियों आप गिरफ़्तार किया है तो इन पासों आप 2 जोड़े टॉपस सोना 10,000 रुपये नकदी ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ XUV ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੂਰਜ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੋਟਲ 6 ਮੁਕਦਮੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ 2-3 ਮੁਕਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ। पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में चोरी की मोटरसाइकिलों और रीसाइकिलिंग करने और चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में एक गिरोह सक्रिय है जो मोटरसाइकिलों की चोरी और उन्हें बेचने का धंधा कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने रोहित कुमार निवासी मोहल्ला नंबर 505 बी तिलक नगर जालंधर को गिरफ्तार किया जो लंबे समय से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी को घास मंडी चौक जालंधर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी रोहित कुमार ने कबूल किया कि वो चोरी की मोटरसाइकिलें शहर में बेचता था।
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया कि वे ये बाइक स्क्रैप डीलर सुमित उर्फ शम्मी निवासी न्यू दशमेरा नगर जालंधर को बेचता था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्क्रैप डीलर सुमित उर्फ शम्मी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जांच के दौरान स्क्रैप डीलर ने माना कि चोरी की मोटरसाइकिलों जिन्हें वो रोहित कुमार से खरीदता था उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अन्य स्क्रैप डीलरों को बेचता था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सुमित उर्फ शम्मी के घर से चोरी की गई मोटरसाइकिलों के अलग अलग पुर्जों को बेचकर कमाए गए 70,000 रुपए बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की आगामी जांच की जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर पुलिस कमिश्नर रणजीत सिंह ढिल्लों के दिशा निर्देशों के तहत लूटपाट और बुरे तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गेट हकीमों के अधीन आती चौकी अनगढ़ की पुलिस टीम को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए चौकी अनगढ़ के प्रभारी पलविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने नाकाबंदी के दौरान 4 युवकों को गिरफ्तार किया है जो राहगीरों से मोबाइल फोन चोरी और लूटपाट करते थे। उन्होंने बताया कि इनके पास से 10 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे शहर के अंदरूनी इलाकों और बस स्टैंड के आसपास राहगीरों से लूटपाट करते थे। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है जहां इन्हें 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि रिमांड के दौरान इनसे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कमिश्नर साहब सरदार रणजीत सिंह जी ढिल्लों, ADCP 1 श्री विशालजीत सिंह जी, ACP सेंट्रल श्री गगनदीप सिंह जी, इंस्पैक्टर मनजीत कौर मुख अफसर थाना गेट हकीमा, होर साडे सीनियर ऑफिसर वालों जिहड़ियां हदायतां होंदियां ने कि जिहड़ा शहर दे विच जां अपने इलाका दे विच कोई क्राइम ना होवे तां जे कोई क्राइम हो जांदा वा ते उस नूं जिहड़ा इमीडिएट ट्रेस कीता जावे, तो कीता काबू। 10 इन्हां कोलों जिहड़ा वख-वख कंपनियां दे एंड्रॉयड मोबाइल आ उह जिहड़े असीं रिकवर कीते इन्हां कोलों, जिहड़े इन्हां ने शहर दे विचों खोह कीते होए आ। अंदरून शहर और बस स्टैंड दे नजदीक ज्यादातर बैकग्राउंड बैकग्राउंड इन्हां दी जिहड़ी आ उह इक जिहड़ा 2 लड़के ने इन्हां दे विच, उन्हां दे विच जिहड़ा हैगे उन्हां दे 307 और जिहड़ा आ 25-50 नजैक दे परचे हैगे आ 2 और इक ते 326 और एनडी पैसक दा जिहड़ा केस रजिस्टर आ, क्रिमिनल बैकग्राउंड इन्हां दी। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਸ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ 3 ਜਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जालंधर ग्रामीण पुलिस ने अपने बेड़े में 20 नए नवीनीकृत रैपिड रूरल रिस्पॉन्स व्हीकल्स को शामिल करके अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत किया है। इन वाहनों को यांत्रिक रूप से उन्नत किया गया है और नई तरह से डेंटिंग और पेंटिंग के साथ जनरल परेड के बाद हरी झंडी दिखाकर ग्रामीणों को समर्पित किया गया। इस नए बेड़े से जिले के दूरदराज के इलाकों में कानून प्रवर्तन की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। इस मौके पर SSP हरकमलप्रीत सिंह खक ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आपात स्थिति के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया समय सुनिश्चित करने के लिए जिले को 20 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन RRRV को विभिन्न स्थितियों के लिए पहली प्रतिक्रिया पंक्ति के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें 112 आपातकालीन कॉल, ट्रैफिक भीड़, VIP मूवमेंट और धार्मिक स्थलों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन वाहनों को तैनात करके न केवल प्रतिक्रिया समय को कम कर रहे हैं बल्कि
ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्टेशन हाउस ऑफिसर जांच और पता लगाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर कानून और व्यवस्था की ड्यूटी को अलग करने के मामलों और सामुदायिक सुरक्षा को अधिक कुशल तरीके से संभाला जा सकेगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। लगातार दूसरी बार ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद उत्साह से भरी भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में चीन के खिलाफ जीत हासिल कर एशियन चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की, जिसके बाद अब भारतीय हॉकी टीम भारत लौट आई है। तो वहीं अमृतसर के एक निजी स्कूल में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों और कप्तान को सम्मानित किया गया। इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने कहा कि उन्होंने एशियन चैंपियनशिप जीती है और ये बेहद गर्व की बात है, इसीलिए उन्हें सम्मानित किया गया है। उनके साथ उनके जूनियर खिलाड़ी और सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद थे। इस तरह के सम्मान से खिलाड़ियों को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने कहा कि हम पंजाब के युवाओं को कहना चाहते हैं कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और खेलों में भाग लेना चाहिए और अपने देश के लिए पदक लाएं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सब तो बड़ी खुशी है कि साडा हॉकी का पूरा परिवार इतने नाल जुड़े है जी, असि सारे एक दूजे नाल रूबरू होए हैं। ये भी बहुत माण वाली गल है, बहुत बहुत धन्यवाद करता मैं इन्होंने जी। थोड़ा पिछे कर लो जी। 100% सर, आई थिंक सरकार भी अपना जो उपराला वधिया कर रही है जी, खेडां प्रति भी बहुत खेडां वतन पंजाब दीआं पंजाब च हो रही ने जी, पुरानी खेडां अगे लैके आ रहे हैं। एंड हुण लास्ट टाइम जदों सीएम साहब नाल मिले सी, उन्होंने जिक्र भी किया कि आपां पंजाब दे विच वी वधिया इंटरनेशनल टूरनामेंट करवाईए। आई थिंक ये चीज़ां बहुत वधिया ने आने वाली फ्यूचर लई, आने वाली जनरेशन लई, जदों उन्हां दे रूबरू ए मैच होणगे वो देखणगे तो उन्होंने ये चीज़ मोटीवेट करेगी जी। जी मैं जद भी जाना, आई थिंक मैं यही अपील करता है कि ग्राउंड ज़्यादा होने चाहिए ने जी, क्योंकि ग्राउंड इंपॉर्टेंट ने, ज़्यादा स्टेडियम नहीं भी होने चाहिए फिर भी सही है जी, बट ग्राउंड जी ज़्यादा अवेलेबल होनी चाहिए। बट आई थिंक आने वाले पिछले कुछ सालों की गल करिए काफ़ी सारी जी एसो टर्फ ने लग चुकी ने, तो काम हो रहा जी। इस चीज़ में टाइम भी लगता, नो डाउट एक ग्राउंड तैयार होने लग्या भी बहुत टाइम लगता है जी। बिल्कुल जी, असी एक एग्जाम्पल है जी तुहाडे सामने जी, क्योंकि असं भी छोटे जे परिवार तो उठे हैं, छोटे जे पिंड उठे हैं, तो मेहनत सदका, कोचां दी सपोर्ट सदका, मापिया की सपोर्ट सदका असीं इत्थे पहुंचे हैं। तो तुसीं भी अपनी अपना जिहड़ा टीचा है, अपना गोल है वड्डा रखो जिंदगी दा, तो मेहनत करो दुगनी, तो तुसीं एक ना एक दिन जरूर अपना जिहड़ा मुकाम हासिल करोगे जी। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी माँ त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम माँ त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक बिनी बसी एंड पार्टी जालंधर वालों ने माँ भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की इस चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, दविंदर प्रभाकर, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सुहे सुहे चोलिया वालिए भोली मां।
के देवा गणपतिया जाओ, काज भक्तों के तुम बना जाओ। केदार बन किन्ना सोना तेरा पवन सजाया। अर्ज गुजारी तेरे पवना दे बिच माए आया, तेरे पवना दे बिच माए आया। सी कर बेकदार बा किन्ना सोना तेरा पवन सजा। सारे दे दिलां दीआं गल्लां सबने मिलके करनी कहना, वो तेरी झोक होके दे नल माइए असी मत्थे जोड़ ले। तेरी चौखट दे नल माइए असी मत्थे जोड़ ले। तेरी चौखट दे नल माइए असी मत्थे जोड़ ले। तेरी चौखट दे नल माइए असी मत्थे जोड़ ले। तेरी चौखट दे नल माइए असी मत्थे जोड़ ले। अति बोली ते दाती ए चढ़ से जाने आ, जिवे जिवे तेरा नाम लई दा तरते जाने आ। जिवे जिवे तेरा नाम लई दा तरते जाने आ। बगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान संदीप खोसला से सपरिवार पंचोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति उपरांत माँ बगला मुखी धाम के सेवादार नवजीत भारद्वाज ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित प्रभु भक्तों को परमात्मा की भक्ति के बारे में प्रवचन देते हुए कहा कि भक्ति के बिना मानव जीवन का कल्याण संभव नहीं है। मानव शरीर परमात्मा की कृपा से ही मिलता है, इसीलिए परमात्मा की भक्ति के बिना सुखमय भविष्य की कामना व्यर्थ है। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, राकेश प्रभाकर,
अमरेंद्र कुमार शर्मा, नवदीप उदय, अजीत कुमार, नरेंद्र, रोहित भाटिया, अमरेंद्र सिंह, नितेश, पप्पू ठाकुर, बलदेव सिंह, बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बगलामुखी धाम च जिहड़ा सप्ताहिक श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त हवन यज्ञ है वह संपूर्ण होया और सारिया संगतों यही दसना चाहते हैं कि महाराज शनिदेव की कृपा के नाल पिछले 12-13 साल तो या 14 साल तो जोड़े साढ़े सारे सेवादारा की सेवा लगी है वो लगातार असी अग्रसर हैं सेवा दे विच और उसे लड़ी दे विच उसे कड़ी दे विच अज दा जिहड़ा सप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त वो संपूर्ण होया और इदा ही बड़ी दूरों दूरों संगत आती है और निःशुल्क हवन यज्ञ नूं अटेंड करके महाराज का आशीर्वाद लैंदी है और प्रभु चरणा दे नाल जुड़ती है। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि एक भव्य जिहड़ा नवग्रह मंदिर बहुत जल्द ही शुरू होने जा रहा माँ बगलामुखी धाम गुलमोर सिटी जलंधर च इसलिए सारे जिहड़े भी भगत साडी आवाज़ सुनते होन या जिथे तक साडा ये संदेशा जाए मैसेज है ये कि हर वीरवार को सवेरे 6 to 8 हवन यज्ञ माँ बगलामुखी जी के निमित्त होंदा और हर शनिवार श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त 7 to 8 हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता और बिल्कुल निःशुल्क है। आओ आके हवन यज्ञ च आहुतियाँ डालो और पुण्य के भागीदार बनो। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। संतोष वालिया जिनका बीते दिन आकस्मिक निधन हो गया था उनका अंतिम संस्कार पूर्ण धार्मिक रीति रिवाज के साथ जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय संतोष वालिया को मुख्य अग्नि उनके बेटे रुद्र मणि वालिया ने दी। इस मौके पर नविंदर भारद्वाज, नितिन कोहली, प्रीतपाल सिंह, लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर रमेश मित्तल, सांसद अशोक मित्तल, नरेश मित्तल, जगदीश राजराजा, प्राणनाथ, अश्वनी सेठ, धीरज सेठ, पारिवारिक सदस्य में बेटा रुद्रमणि, रश्मि वाली, इकबाल, सागर वालिया सहित शहर के व्यापारी, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्ग के लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय संतोष वालिया को नम आंखों से विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। जालंधर के दोमोरिया पुल के पास एक बर्फ के कारखाने में अमोनिया गैस लीक होने से मचा हड़कंप, 4 लोग हुए बेहोश। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। 4 MM ग्लॉक पिस्तौल, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल किया बरामद। पुलिस कमिश्नर जालंधर की अगुवाई में ड्रग निपटारा कमेटी ने तस्करों से जब्त किए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को किया नष्ट। 55 किलो हेरोइन, 5 किलो भुक्की और 180 नशीली गोलियां की नष्ट। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।